ये महीना है, उनके ताल्लुक से मैं चंद बातें बयान करना चाहता हूं ताकि आपको हमारे इमाम जाफर का मकाम पता चले और ये मालूम हो कि हम कैसे कैसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे सरताज कैसी कैसी शख्सियतें गुजरी है। इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बिन बाकर रदी अल्लाह तआला के साहबजादे हैं और इमाम मोहम्मद बाकर ये साहबजादे हजरत इमाम जैनुल आबदीन के और इमाम जैनुल आबदीन साहबजादे इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन हजरत अली के साहबजादे। ये सिलसिला बैत नबूवत है, ये सिलसिला अहले बैत नबूवत है। यह है ये सिलसिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इस ताल्लुक से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से कि एक मौके पे अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से फरमाया, और इसमें सरकार का इल्म गैब भी देखे आप, कहते हैं जाबिर अन करीब तू मेरे एक बेटे से मुलाकात करेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, सरकार का भी नाम मोहम्मद। तो हजरत जाबिर अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह मैं कैसे पहचानूंगा कि वो आप ही का शहजादा है। फरमाया इसकी पहचान ही होगी कि वो हमशबी होगा मेरा, और उस जब उससे तेरी मुलाकात होगी तो तुझे खुद एहसास हो जाएगा, तू वही खुशबू महसूस करेगा जो मेरी मौजूदगी में खुशबू महसूस होती है, तो जान जाएगा कि वो मेरा शहजादा है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला नो बहुत जयीफ हो गए, बूढ़े हो गए, यहां तक कि अल्लाह ने उनकी उम्र इतनी तवील फरमाई कि आखिरी वक्त में आंखों से नाबीना हो गए, कमजोर हो गई, आंखें से दिखता नहीं था। आपका पोता था, हाथ पकड़ के मस्जिद नबी में ले जाता, नमाज पढ़ते आप फिर पोता पकड़ के घर ले आता, ये मामूल था। चुनांचे एक मरतबा मस्जिद में जब हाजिर होते, तशरीफ ले जाते नमाज की गरज से, जोहर का वक्त था, मस्जिद में कोई नहीं आया था, पहले हजरत जाबिर ही पहुंचे, पोते ने सहन में बिठा दिया, बैठे हैं आप बावजू के इमाम आएगा, नमाज होंगी। तभी हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह तआला अपने एक छोटे से साहबजादे के साथ मस्जिद में दाखिल होते हैं। इमाम जैनुल आबदीन जैसी मस्जिद में दाखिल हुए तो हजरत इमाम हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला साहबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह अन्हु बिल्कुल चौंक गए, और उसके बाद हजरत इमाम जैनुल आबदीन ने सलाम किया तो आवाज से जान गए कि इमाम जैनुल आबदीन है, तो फरमाया इब्ने हुसैन हो? कहा हाँ मैं जैनुल आबदीन। कहा जैनुल आबदीन तुम्हारे साथ कौन है? कहा मेरा बेटा मोहम्मद। कहा उसे मेरे करीब लाओ। इमाम जैनुल आबदीन अपने बेटे मोहम्मद को जैसे करीब लेके पहुंचते हजरत जाबिर खड़े हुए और उनके हाथ को बोसा देने लगे। उन्होंने हाथ खींचना चाहा मगर आपने हाथ पकड़ा और बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, और जब पैर का बोसा लेने के लिए झुके तो हजरत मोहम्मद इमाम जैनुल आबदीन के नन्हे से साहबजादे जो छोटे थे उम्र कम उम्र थी पीछे हटे। कहा आप साहबी रसूल है ये ना कीजिए। कहा नहीं ये आपका हक है कि मैं आपके कदमों को बोसा दूं। उसके बाद फरमाया कि ऐ मोहम्मद मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है। ये हजरत मोहम्मद यही थे जिनका नाम इमाम बाकर है और वही है जिनके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गुभी फरमाई थी कि ऐ जाबिर मेरे अनकरीब मेरे एक बेटे से तेरी मुलाकात होगी जो मेरा हम नाम होगा, जब उससे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचा देना। हजरत जाबिर इनकी मुलाकात के लिए हाजिर होते और कभी हजरत इमाम मोहम्मद हजरत जाबिर की बारगाह में हाजिर होते और रसूलुल्लाह से की हदीसें सुनते। उसके कुछ ही अरसा बाद हजरत जाबिर का विसाल हुआ। इमाम मोहम्मद बाकर बहुत बड़े आलिम फाजिल और अहले बैत नबूवत के चश्म चिराग, इल्म नबूवत सीना बा सीना इन तक पहुंचा। इनके बहुत सारे करामात, बहुत सारे फजाइल है, एक मैं यहाँ पर एक उनके मकाम और करामात का जिक्र कर रहा हूँ। अबू बसीर कहते हैं कि मैं पैदाइशी नाबीना था, मैं इमाम बाकर की खिदमत में हाजिर हुआ जब इमाम बाकर जवानी के आलम में थे। तो अबू बसीर कहते हैं कि मैं पहुंचा और मैंने कहा कि क्या आप रसूलुल्लाह के खानदान से? कहा हाँ मैं ही रसूलुल्लाह के खानदान से हूँ। कहा आप उलूम नबूवत के वारिस हैं? कहा मैं उलूम नबूवत का वारिस हूँ, जो नबूवत का इल्म विरासतन आया है वो मुझ तक भी पहुंचा है। काम्बिया के उलूम पे सो तो ये भी है कि वो मुर्दे जिला देते हैं।
अंबिया के उलूम में से तो ये भी है कि मादरजात नाबीनाओं को अच्छा करते हैं, कोड़ियों को छूते हैं तो कोड़ दूर हो जाता है, बीमारों को शिफा देते हैं, वो खबर देते हैं कि घर में कौन क्या खाता है क्या छुपाता है। मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान में आया वही सिफतें उन्होंने बयान की। ये अंबिया के उलूम है। अगर आप उलूम नबवत के वारिस हैं तो क्या अल्लाह ने आपको ये इल्म दिए हैं, ये उलूम अता किए हैं? तो इमाम बाकर ने फरमाया बेशक ये उलूम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। तो कहा फिर मेरी आंखों को ठीक करके दिखाइए। तो आपने फरमाया करीब अबू बसीर, जब करीब आए हाथ जैसी फेरा तो आपकी आंखें बीना हो गई, देखने लगे। हजरत अबू बसीर बड़े खुश हुए। उसके बाद इमाम बाकर कहते हैं कि तूने जानना चाहा था वो चीज मैंने दिखा दी, अब मैं दो चीजें तुझको पेश करता हूं। पहली चीज ये कि जैसा तू पहले था वैसा रहना कबूल कर ले, और इसके एवज मैं गारंटी देता हूं और इसकी जमानत लेता हूं कि इसके बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। और दूसरा यह कि फिर आंखें तेरी रहे दुनिया में और फिर तेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द हो, फिर अल्लाह तेरा हिसाब ले और फिर तेरे अमाल पर तेरा फैसला किया जाए। अब इस लफ्जों की गहराई देखें आप, यानी कह रहे हैं कि देखा अबू बसीर अगर तू दुनिया में बिना रहना चाहता है तो उसकी शर्त यह है कि फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ताला तेरे फिर अमाल का हिसाब लेगा, अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत, बुरे होंगे तो जहन्नम। मगर जो तू पहले जैसा था वैसा रहने की जिम्मेदारी और वैसा कबूल कर ले रहना तो जन्नत की जमानत मैं देता हूं, यानी तेरे अमाल कैसे भी हो मैं तेरी शफात कर दूंगा। ये विरासतें थी नबुवत की जो इन तक पहुंची थी। तो अबू बसीर ने कहा कि मैं जन्नत को इख्तियार करता हूं। आपने फिर आंखों के सामने से हाथ फेरा, फिर नाबीना हो गए। चाहते तो बीना रख सकते थे लेकिन हिकमत थी। इन्हीं के साहबजादे इमाम बाकर के साहबजादे इमाम मोहम्मद जाफर रदी अल्लाह तआला, जिनको इमाम जाफर सादिक कहते हैं, 83 हिजरी में इनकी विलादत हुई मदीने में। 83 हिजरी में इनकी विलादत होती है। इमाम अबू हनीफा से 3 साल छोटे हैं। बाद रिवायतों में आया 82 हिजरी आपकी विलादत है और बाद में 80 भी है, मगर जमूर उलमा का इत्तेफाक 83 हिजरी पर आपके इत्तेफाक है। इमाम आजम अबू हनीफा से 3 साल छोटे थे मगर इमाम आजम इनके शागिर्द है। मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह क्यों। वजह यह थी कि इल्म नबवत खानदान नबवत से इनको विरासतन अता हुआ था। इनके वालिद जैसा बता चुका इमाम मोहम्मद बाकर, और इनकी वालदा का नाम उम्मे फरदा। और उम्मे फरदा कौन है? उम्मे फरदा के वालिद यानी इमाम जाफर के नाना, उनका नाम है कासिम, और कासिम के वालिद है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद है हजरत अबू बकर सिद्दीक। यानी अबू बकर सिद्दीक परदा नाना, पकड़ नाना जो होते हैं वो होते हैं। उम्मे फरदा के वालिद कौन? कासिम। और कासिम के वालिद मोहम्मद, मोहम्मद के वालिद अबू बकर सिद्दीक। और उम्मे फरदा की वालदा मां की तरफ से अपना सबनामा देखे, उम्मे फरदा की वालदा असमा, और अस्मा के वालिद अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो इमाम जाफर फरमाते हैं कि अबू बकर ने मुझे 2 मर्तबा पैदा किया है, कि मेरी जो वालदा है उनका बाप भी अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से, और मेरी माँ जो है वो भी अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से। अबू बकर ने 2 बार मुझे पैदा किया। और हजरत कासिम कौन है? आपके नाना। ये शागिर्द है हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के खास शागिर्द। हजरत आयशा इनकी फूफी, अपनी फूफी से पूरे उलूम हासिल किए। अनस हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भी शागिर्द है, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अली के भी शागिर्द है, और हजरत कासिम के जो वालिद थे मोहम्मद, मतलब मैं घराने का थोड़ा तफसीरा कर रहा हूं, हजरत कासिम के वालिद मोहम्मद यानी इमाम जाफर के परनाना, इनकी परवरिश हजरत अली ने की थी। जब अबू बकर सिद्दीक की का इंतकाल हो गया तो उनकी अहलिया से, उनकी बीवी से हजरत अली ने शादी फरमा ली। इमाम मोहम्मद छोटे थे हजरत मोहम्मद, तो ये मोहम्मद हजरत अली की परवरिश में आए, और हजरत अली की परवरिश में ही ये फिर जवान हुए, बड़े हुए, निकाह वगैरह शादी सारे मामला हजरत अली ने किए। हजरत मोहम्मद के साहबजादे हजरत कासिम, और हजरत कासिम जो है इमाम जाफर के नाना, ये इमाम मालिक के भी उस्ताद है, इमाम अबू सुफियान के भी उस्ताद है, और भी बड़े बड़े लोगों के उस्ताद है, बल्कि यहाँ तक के कि इमाम मालिक की ज्यादातर मरवियात, ज्यादातर रिवायतें हजरत कासिम से।
83 हिजरी में इमाम जाफर सादिक की विलादत होती है। अपने वक्त के इल्म के आफ्ताब व महताब थे, इमाम जाफर के शागिर्दों में बेशुमार उनके तलामिजा आते हैं, बेशुमार उनके शागिर्द हैं। उनमें सबसे अफसल शागिर्द का जो नाम आता है वो इमाम आजम अबू हनीफा है। हजरत इमाम जाफर की फजीलत के लिए मैं कहता हूँ दो ही चीज़ें काफ़ी, एक तो ये कि आप अहले बैत नबूवत के चश्मो चिराग, और दूसरा इमाम अबू हनीफा जैसा वक्का इमाम इनका शागिर्द है। और इमाम अबू हनीफा का इल्म का आलम क्या है, ये कब गए इमाम जाफर के बारगाह में, उस वक्त नहीं अलिफ बे ते पढ़ने, जब इमाम और आलिम सब कुछ हो चुके थे, इमाम कहलाते थे, फतवा देते थे, कैसे गए वो मैं बाद में बताऊंगा। इमाम अबू हनीफा वो है कि जिनके बारे में हजरत इमाम अली बिन आसिम रदी अल्लाह तआला नो, जो वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इमाम अली बिन आसिम कहते हैं कि पूरे रुए जमीन की अक्ल को एक तरफ रख दिया जाए, पूरे रुए जमीन की कयामत तक जितने लोग आएंगे, और इमाम अबू हनीफा की अक्ल को एक तरफ रखा जाए तो दुनिया की आधी अक्ल इमाम अबू हनीफा के पास है, दुनिया का निस्फ इमाम अबू हनीफा को दे दिया गया। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुए जमीन पर नुमान इब्ने साबित से ज्यादा अजीम बच्चा आज तक किसी औरत ने जना ही नहीं है। और एक दूसरे मकाम पर इमाम शाफई फरमाते हैं, मसलक के इमाम है ये भी, कहते कसम वहदहू ला शरीक की इमाम अबू हनीफा का वो मकाम है कि इमाम अबू हनीफा फकीहों के बाप है, अगर ये ना होते तो कोई इनका फकीह औलाद होता ही नहीं, कोई औलाद ही नहीं होती, फकीहों के बाप है, इल्म का दरवाजा है, फिका का दरवाजा अबू हनीफा है, जिसने अबू हनीफा से इस्तेफादा ना किया वो फिका के इल्म से करीब ही नहीं हुआ। तो ये फजीलत इमाम अबू हनीफा की। और इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर के शागिर्द, दो साल पढ़ा सिर्फ, रिवायत में आता है कि इमाम अबू हनीफा जब एक मरतबा मदीना पहुंचे, अब यहाँ मुफस्सरीन मुहद्दिसीन में इख्तलाफ है, मौरखीन में, बास कहते हैं वाकई इमाम बाकर के साथ पेश आया, बास कहते हैं वाकई इमाम जाफर के साथ पेश आया, लेकिन रिवायत एक है, रिवायत के अल्फाज व बात के सब वैसे ही है, शख्सियत को लेकर इख्तलाफ है। तो बहरहाल ये इमाम जाफर या इमाम बाकर के पास पहुंचे तो इमाम ने कहा कि तुम ही हो नुमान इब्न साबित कूफा के रहने वाले, बोले जी मैं ही हूं, तुम ही हो जो फतवा देते हो, बोले जी हमने सुना है कि तुम हमारे जद्द करीम रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ बातें करते हो, कयास से फतवा देते हो, यानी कि जुमले बता रहे हैं, और ये बात बता रही है कि उस जमाने से ही कुछ बदगो थे इमाम अबू हनीफा के, जिन्होंने ये प्रोपोगंडा कर रखा था कि इमाम अबू हनीफा हदीस को छोड़ते हैं कयास से फतवा देते हैं, और आज तक ये खबीज भी यही इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि आप थोड़ा तशरीफ़ रखे, आए इब्ने रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के बेटे शहजादे आप तशरीफ़ रखे तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। बैठ गए इमाम जाफर या इमाम बाकर, कहा मेरे चंद सवालों के आप जवाब दे दीजिए तो खुद वाजे हो जाएगा कि मुझ पर जो इल्ज़ाम है उसकी क्या हकीकत है। कहा पूछो। कहा बताइए कि मर्द कमज़ोर है कि औरत कमज़ोर है। इमाम अबू हनीफा ने सवाल किया पहला, कमज़ोर कौन है, मर्द या औरत? तो इमाम जाफर ने कहा कि कमज़ोर औरत है, मर्द कवी है, मजबूत है, ताकतवर है। कहा आपके जद्द करीम का फरमान है कि विरासत के अंदर मर्द को दो हिस्से दिए जाएंगे, औरत को एक हिस्सा दिया जाएगा, अगर मैं कयास से काम लेता तो मैं दो हिस्से औरत को देता, एक हिस्सा मर्द को देता कि कमज़ोर को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपके जद्द करीम की हदीस पर अमल करते हुए हुक्म देता हूँ कि मर्द को दो हिस्से दिए जाए विरासत के, औरत को एक दिया जाए। इमाम जाफर खुश हुए, फरमाया, फिर अर्ज करते हुजूर ये बताइए पेशाब ज्यादा नजीस है कि मनी, दोनों में नजासत के एतबार से हुक्म किसका ज्यादा? कहा पेशाब ज्यादा नजीस है बनिस्बत मनी के। तो आपने फरमाया कि अगर मैं कयास से काम लेता तो कहता कि जो पेशाब करे उस पर गुस्ल फर्ज हो गया, लेकिन आपके जद्द करीम के हिसाब से मैं फतवा देता हूं कि पेशाब से वजू टूटता है और मनी के खुरूज से गुस्ल खत्म हो जाता है, गुस्ल वाजिब व फर्ज हो जाता है। इमाम जाफर फिर मुस्कुराए, फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया, कहा हुजूर ये बताइए नमाज अफजल है या रोजा? तो कहा कि नमाज अफजल है रोजे से, फर्जियत के एतबार से नमाज की अहमियत ज्यादा है रोजे के मुकाबले में। तो कहा कि जब नमाज अफजल है तो अगर मैं कयास से काम लेता तो मैं फतवा ये देता कि औरत जब हैज की हालत में हो
और उस हालत में रोजा भी छोड़ती है, नमाज भी छोड़ती है। जब उससे पाक हो जाए, तहर की हालत हो, पाकी की हालत हो, तो वो रोजे की कजा के साथ साथ नमाज की भी कजा करे। मगर मैं फतवा देता हूं, नमाज की कजा ना करे, रोजे की करे, क्योंकि आपके जद्दे करीम रसूलुल्लाह का यही फरमान है। यह मसला है कि औरत उस हालत में अगर रोजा रख रही है, रमजान में है या नफली है, वो अब हालत हुई तो रोजा छोड़ देंगी, फिर रमजान के वो रोजे बाद में कजा रखे, माफ नहीं है वो रोजे। मगर नमाज जो उस हालत में छोड़ी वो माफ है, उसको अदा नहीं करना है, ये छूट है अल्लाह की तरफ। इमाम जाफर ने कहा नोमान खड़े हो जाओ, इमाम अबू हनीफा खड़े हुए। इस पर एक बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं आपको, और पेशानी को बोसा दिया इमाम अबू हनीफा, कहा कि तुम्हारे मुखालिफिन ने तुम्हारे ताल्लुक से तोहमत और झूठ से काम लिया, वाकई तुम मेरे जद्दे करीम के मुताबिक फैसला करते हो, उनकी हदीस पर अमल करते हो, मैं तुमसे राजी हूं। कहा हुजूर आप अहले बैत नबूवत के चश्म चिराग है, इल्म नबूवत आपके बारगाह से है मुझे हासिल करना है, इल्म नबूवत आप तक आया है, अपनी शागिर्दी में कबूल फरमाइए। शागिर्दी में आए, दो साल पढ़ा इमाम अबू हनीफा ने इमाम जाफर से, और दो साल पढ़ने के बाद जो कुछ हासिल किया वो तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने। सिर्फ रिवाज इतनी बताती है कि जब इमाम अबू हनीफा की उम्र बड़ी तवील हुई, बास कहते 68 साल की उम्र थी, भवें सफेद हो चुकी हैं, दाढ़ी के बाल पूरे सफेद हो चुके हैं, एक काले बाल का नामो निशान नहीं, इतनी जईफी का आलम। पूछने वाला पूछता है ऐ इमाम आजम अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है, इस वक्त आपकी उम्र कितनी हो गई? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। कहा आप इमामों के मजाक करते हैं, इतने जईफ हो गए, बूढ़े हो गए, 2 साल उम्र है? कहा हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं कहता, जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे वही मेरी असल जिंदगी है, बाकी जिंदगी मैंने जाय कर दी है। अंदाजा लगाइए 2 साल में क्या लिया होगा। अब मैं एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, जहां नागपुर में मेरी तकरीर होती है वहां शियाओं का इलाका है, शियाओं के ही एरिया में रहते हैं। एक लखनऊ के एक मौलवी साहब आए मोहर्रम में, 12 साल मोहर्रम पे एक ही जगह पे मैं बोला, और बड़ा दिलचस्प मामले होते थे उस वक्त। जैसे ये आप बैठे, बस ये मेरा स्टेज लगा है, तो जहां मजमा एंड होता है वहां से वो शियाओं का बाड़ा शुरू होता है, यानी रुख बाड़े की तरफ और उनके पोंगे हमारी तरफ। उनका प्रोग्राम शुरू होता था मगरिब बाद, 7 बजे 9 बजे ख़त्म हो जाता था। हम लोग फिर 10 बजे अपनी तकरीर शुरू करते थे, रात के 11-12 बजे तक चलती थी। वो लखनऊ का जो वो मौलवी था शिया, वो तबर्राई था, तबर्राई समझता है आपको, साहबा पर बुजुर्गों पे जो लान तान करते हैं, गालियाँ बकते हैं, बड़ी शदीद तकरीर करता था। होता ये था कि मेरे लड़के हमारी कम्युनिटी के बैठते थे और उसके एतराजात को नोट करते थे, वो तकरीर हो रही है उसकी 8 बजे से बैठा है वो, और 10 बजे वो जब मैं स्टेज पे आता तो वो एतराज मुझे दिए जाते और मैं उसी वक्त उसको जवाब देता। ये पूरे 10 दिन मामला चला। तो एक दिन क्या कहता है सुनिए, बड़ा प्यारा जवाब दिया था मैंने, उसके बाद से उसने रद्द करना ही बंद कर दिया, तो बोला कहाँ खुजा लिया मैंने। तो अब क्या बोलता सुनिए, बोलता है अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इमाम, शिया लोग मानते ना इमाम जाफर हमारे, अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ाता था, वो लोगों का इमाम है जो पढ़ता था। तो मैं कहूंगा लोगों, जो पढ़ता था उसको पकड़ लिया, जो पढ़ाता था उसको छोड़ दिया, अखरोट का छिलका ले लिया, मगज को छोड़ दिया। कितना बड़ा तंस कर रहा है वो। मैंने देखा कि एक शख्स अखरोट को फोड़ रहा है और वो सख्त जो उसका छिलका है उसको चबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा बेवकूफ क्या कर रहा है? कहा यही असल है, इसमें बहुत विटामिन है। मैंने कहा बेवकूफ तेरे दांत टूट जाएंगे। अरे ये मगज खा अखरोट का। देखा नहीं, मैं मगज तो नहीं लूंगा, मगज मेरे काम का नहीं है। नतीजा क्या हुआ? दांत टूट गए। तो मैं भी उन लोगों को कहना चाहता हूं, अरे तुमने मगज छोड़ दिया, छिलके ले लिए, दांत टूट जाएंगे, तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएंगी। हिदायत चाहते हो, नजात चाहते हो, तो आओ हमारे इमाम के पहलू में आ जाओ। अब ये उसने तकरीर किया, यानी इमाम अबू हनीफा की उसने सख्त तौहीन की। अब बार बार ये जुमला दोहरा है, अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ाता था, वो लोगों का इमाम है जो पढ़ता था। वो हमारा इमाम पढ़ाता था, लोगों का इमाम है पढ़ता था। अब मेरे पास शियाओं का भी बड़ा लिटरेचर है, कभी यहां बॉम्बे में जरूरत पड़े तो मुझे याद करना आप इंशाल्लाह। उसूल काफी इनकी सबसे मौतवर किताब है। मैं आपको बता दूं, ये बुखारी मुस्लिम नहीं मानते। किसी शिया से बात हो तो कभी भी बुखारी मुस्लिम मत ले जाना, वो नहीं मानते। उनके यहाँ कुतुब अरबा है, 4 सही हदीस की किताबें मानी जाती है। हमारे यहाँ सियासत्ता 6 हदीस की किताबें, उनके यहाँ 4, जिसमें पहले नंबर पर उसूल काफ़ी कुलैनी की। कुलैनी नाम है इनके इमाम का, नाम भी बड़े अजीब अजीब है इनके यहाँ।
कुलैनी, उसूल काफी, उसके बाद मल्ला यदरुल फकी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अल इस्तफसार, चौथे पर तहजीबुल इस्लाम, चार किताबें। और फिर नहजुल बलागा एक किताब है, ये बड़ी मारूफ है इनके यहाँ, जो हजरत अली की बताते हैं, हमारे उलमा उसको तस्लीम नहीं करते। उसूल काफी इनकी सबसे बड़ी हदीस की किताब, गोया इनके यहाँ की बुखारी। तो मैंने फिर वो स्टेज पे वो उसूल काफी लिया और भी खोला और एक रिवायत पढ़ के सुनाई। अब रिवायत क्या है जरा सुन लीजिए, वही बस जवाब था। और फिर वो डायलेक्ट मैंने इतनी बार बार मारा कि अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ता था। उसने बोला था ना, लोगों का इमाम पढ़ता था, हमारा इमाम पढ़ाता था, तो उसने भी बाल नोच लिए होंगे कि मैंने क्यों बोल दिया। अब सुने मैंने क्या जवाब दिया। उसूल काफी खोला, उसमें रिवायत क्या है, इमाम जाफर सादिक बैठे हुए, ठंडी का मौका है और आप अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे हैं, पास ही में एक अलावा जल रहा है आग का, आग का एक अलावा रोशन है, बहुत गहरे गड़ा है जिसमें आग लकड़ियां डाल दी गई। अलावा कहते हैं जो गड्ढा कर दिया जाता है बहुत बड़ा, उसमें भी लकड़ियां डाल दी जाती, शोले और तपिश बुलंद होते रहती है। इमाम बैठ के हदीस सुना रहे और जहां तक निगाह जाती है सरी सर है लोगों के, यानी हजारों का मजमा है। आप बता रहे हैं काला जद्दी काला जद्दी, मेरे जद ने ये कहा मेरे जद ने कहा, तभी एक शख्स सफों को चीरते हुए आता है लोगों की, इमाम जाफर के करीब आया, कहता है इमाम जमाना इमाम वक्त, यहां बैठ के काला रसूलुल्लाह कर रहे हैं, हालत ये है कि जालिम बादशाह मुसल्लत है, शरीयत मुस्तफ़ा की तोहीन हो रही है, आपके जद्द करीम की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जालिम तख्त पर मुसल्लत है, उठिए हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, जिहाद के लिए अलम बुलंद कीजिए। तो इमाम ने देखा उसके जोश, बड़े जोश में कहा, गुलाम एक पास खड़ा था जिसका काम था कि इमाम को पानी की जरूरत हो तो पानी पेश कर देता था, कोई चीज की जरूरत हो तो कोई चीज पेश कर देता था। तो इमाम ने उससे कहा कि इस अलावे में कूद जा। उस गुलाम ने आओ देखा ना ताओ अलावे में कूद गया। लोग दौड़े, अरे ये क्या किया इमाम ने, अच्छे खासे एक इंसान को जिंदा जलवा दिया, ये तो हराम है, किसी को जिंदा, जाहिर सी बात है शरीयत में तो हराम है ना कि आप किसी को कहे खुदकुशी कर ले, कितना बड़ा गुनाह है। आपने इशारे से कहा रुक जाओ कोई ना आए, वो भी देख रहा है ये क्या हुआ, मेरी बात का इतना बुरा लगा कि बेचारे गुलाम को क्यों अलावे में कुदवा के जलवा दिया। बहुत देर गुजर गई, एक महफिल पे सन्नाटा छाया हुआ है। जब देर गुजर गई तो आपने उस गुलाम को आवाज दी, ऐ मेरे फुला गुलाम। उसने अलावे से जवाब देता है, लब्बैक या सैयदी, मेरे सरदार मैं हाजिर हूं। हाथ बढ़ा, अलावे में से उसने हाथ निकाला, इमाम जाफर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको बाहर निकाला। अहले मजलिस देखते रहे चौंक जाते हैं, उसका जलना तो दूर, उसके लिबास का एक तार भी नहीं जला था। उसने कहा है जाफर सादिक, अय अबू अब्दुल्ला, ये उनकी कुन्नियत थी, मैं नहीं समझ सका कि आपने ये क्या किया और क्या क्या दिखाना चाहा। आपने फरमाया सुन, मैं अपने गुलाम से क्या पूछता हूं इसकी बात पे गौर कर। अय गुलाम, जब मैंने तुझे कहा कूद जा तू क्यों कूदा, क्या तुझे ये नहीं लगा कि तू मर जाएगा, चल जाएगा, खाक हो जाएगा। तो गुलाम बड़े अदब से कहता, आका अंजाम की वो परवाह करे कि जो अपने आका का फरमा बरदार ना हो, सच्चा गुलाम वो है जो अपने आका की हर बात को मान ले। आपने कहा कूद जा, मुझे अंजाम से क्या लेना देना, मुझे तो आपका हुक्म देखना था, अंजाम देखता तो फिर मैं गुलाम कैसा। आपने कहा कूद जा, मैं कूद गया। अब इमाम जाफर का जुमला सुनी, इमाम जाफर कहते देखा ये मेरा गुलाम है, ये है मेरा हकीकी शिया, यही अल्फाज आए किताब में, ये है मेरा हकीकी शिया। तू ये जो देख रहा है ना हजारों का मजमा, जो मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी बातों को सुन के खुश हो रहा है, ये सब मेरे शिया कहलाते हैं, मेरे मानने के दावेदार है, मगर कसम खुदा की एक भी इसमें मेरा शिया नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनके बाप दादाओं ने मेरे वालिद हजरत इमाम जैनुल बाकर को धोखा दिया, इमाम जैनुल आबदीन को धोखा दिया, इमाम हुसैन को धोखा दिया, इमाम हसन को धोखा दिया, अली मुर्तजा को धोखा दिया। धोखा फितरत है, ऐसे गुलाम मेरे पास नहीं है, कसम वहदउला शरीक की, अगर 11 गुलाम भी ऐसे होते इसकी तरह तो मैं बादशाह के खिलाफ अल्लाह में जिहाद बुलंद कर देता, 11 भी होते। मैंने कहा आपकी उसूले काफी वो बता रही हैं कि इमाम जाफर सादिक के जमाने में हकीकी सच्चे मानने वाले 11 भी शिया नहीं थे। तो इमाम देख रहे थे ये दावेदार जरूर है मोहब्बत के, मगर ये मेरे शिया नहीं है, मेरे चाहने वाले नहीं है, दगाबाज कौम है, और दगाबाज को इल्म की अमानत नहीं दी जाती। नुमान इब्ने साबित कूफा से तू आ, तेरे दिल में अमानत दी जाएंगी, तू दयानतदार भी है, भरोसेमंद भी है, वफादार भी है। तो आया नुमान इब्ने साबित, इल्म दिया इमाम जाफर ने, आया था नुमान मन
के, और जब मदीने से निकला तो इमाम आजम अबू हनीफा बनकर निकला। अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ता था, हमारा दादा इमाम पढ़ाता था। तुम्हें इल्म की अमानत नहीं दी गई इसलिए तकैया करते हो, समझ में आ गया। तो इमाम अबू हनीफा को क्यों माना, हमने कहा सारी विरासत तो इमाम ने यहां मुंतकिल कर दी, तो जहां मुंतकिल हो गई अब उसके पीछे लग जाओ। और फिर मैं इतना दोहराया, अल्लाह का शुक्र है हमारा इमाम पढ़ता था। अच्छा, जो पढ़ता था वो हमारा इमाम तो हमारा बाप, हमारे बाप को जो पढ़ाता था वो हमारा दादा। ये बीच में ना जाइज औलादे कहां से आ गई, इनका तो कोई तालमेल ही नहीं है। क्यों, इनको तो कुछ दिया ही नहीं, ना इल्म दिया ना निस्बत दी, कह दिया कि मेरे शिया ही नहीं, ये तो सब दगाबाज है, एक ही तो है ये गुलाम। 11 होते हो तो जिहाद कर लेता, 11 भी तो नहीं थे। तो बहरहाल बताने का मकसद के शियाओं की इस रिवायत पर भी अगर एतमाद करें, हालांकि इनकी की रिवायतों को हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बिलफर्ज ये रिवायत सही है मान ले, तो ये रिवायत भी बताती है कि इमाम अबू हनीफा को इमाम जाफर ने 2 साल में क्या क्या नहीं अता किया, सब कुछ अता कर दिया। ये इमाम जाफर सादिक का अहल था। इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में इमाम मालिक भी आते हैं, और हजरत इमाम अबू सुफियान, हजरत इमाम ओइना, ये बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस गुजरे, ये सब शागिर्द इमाम जाफर के। और अल्लाह ने इमाम जाफर को वो इल्म अता किया था, वो फकाहत, वो मुहद्दिसाना सलाहियत कि किताबों के अंबार भरे पड़े इस चीज से। एक मरतबा इमाम जाफर सादिक का घोड़ा गुम हो गया, अपने गुलाम से फरमाया जाओ घोड़ा लेकर आ, ढूंढ उसको कहां चला गया। गुलाम गया, घोड़ा उड़ा ढूंढा, आ गया, बोले हुजूर नहीं मिल रहा है। कहा अगर घोड़ा मिल जाए ना तो मैं अपने रब की ऐसी तारीफ बयान करूं जो तारीफ बयान करने का हक है। क्या जुमला कहा, अगर घोड़ा मिल जाए तो मैं अपने रब की ऐसी तारीफ बयान करूंगा जो तारीफ बयान करने का हक है। अब सोचिए आज तक कोई दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूंगा जो हक है, अल्लाह जाने उसकी तारीफ का हम हक अदा ही नहीं कर सकते, यही कहा जाता है ना। मगर इमाम जाफर की जहानत देखो आप, हम भी यही कहते भाई अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता, मगर इमाम जाफर कहते अगर घोड़ा मिल जाए तो मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूंगा जैसे उसका तारीफ बयान करने का हक है। गुलाम बड़ा जुस्तुजू में गया, कहा अब तो कुछ भी हो जाए कहीं भी जाऊंगा घोड़ा लेकर ही आऊंगा, मैं वो जुमले सुनना चाहता हूं, वो अल्फाज सुनना चाहता हूं, इमाम आखिर अपने रब की तारीफ में क्या कहेंगे। गया, बड़ी मेहनत की, खूब ढूंढा और घोड़े को ढूंढ के ले ही आया, बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत उठाई, पसीने में शराबो और घोड़े को लेकर आ रहा है लगाम पकड़ के, हुजूर मुबारक को घोड़ा मिल गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म। खड़ा इंतजार करते कुछ और कहे, इमाम आपने अल्लाह की तारीफ नहीं बयान की, आपने तो कहा था ऐसी तारीफ बयान करूंगा जो हक है, कहा बयान तो की तारीफ, कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कहा आपने तो कहा उसका हक है, तो क्या हक अदा हुआ, कहा हाँ, अगर मैं अपने तौर पर तारीफ बयान करता तो हक अदा ना होता, ये तारीफ अल्लाह ने खुद अपनी बयान की, और उसके अल्फाज बेमायने हो, मतालिब पूरे ना हो, ये नामुमकिन है कि उसका कलाम है। उसने अपनी तारीफ इसी तरह बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है फुकाहत, ये है तफक्कुफुद्दीन जिसको कहा जाता है। एक शख्स आया इमाम जाफर के पास, हुजूर एक मसला पूछना, पूछो। मेरा गुलाम कहता है कि अगर मैं इतनी रकम ला दूं तो आप मुझे आजाद कर दीजिए, तो क्या मैं अपने गुलाम को आजाद कर दूं? फरमाया अगर तू कर दे तो बेहतर है तेरे लिए, अजर दिया जाएगा। गुलाम ने कुछ किस्तों में रकम दी इसको, रकम लाता रहा, एक मुकर्रर हो गया कि इतने इतने लाख लाख के अगर गुलाम दे देंगे हम कमा कमा के तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जितने दिनों में इसकी किस्त पूरी हो जाएंगी ये गुलामी से आजाद हो जाएगा। आखिरी किस्त थी जो तकरीबन 1 लाख दिरहम थी कुछ, गुलाम आया, हुजूर ये आखिरी किस्त मैं कमा के लाया हूं, ये आखिरी किस्त है। आका ने कहा आजाद है तू, और उसके बाद फिर उसने 1 लाख दे दिया। गुलाम बड़ा चालाक था, इमाम जाफर सादिक की सोहबत याफ्ता था, इमाम के पास पहुंचा, कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र मैं आजाद हो गया। तो कहा तेरे गुलाम ने आजाद कर दिया, तेरे आका ने? बोले हाँ, लेकिन हुजूर मेरा आका ने मेरी 1 लाख दिरहम जो अपने पास रख लिए दे नहीं रहा है मुझे, आप वो 1 लाख दिरहम मुझे दिलवा दीजिए। कहा बुला तेरे आका, बुलाया, इसके 1 लाख दे दो। कहा कौन से 1 लाख? जो तय हुआ था उसी एतबार से 1 लाख इसने आखिरी किस्त दे दी,
इसका मैंने कोई जायद पैसा नहीं लिया। तो गुलाम कहता है कि हुजूर मामला यह है कि मैं रकम लेकर आया और मैंने कहा कि हुजूर यह आखिरी किस्त है। उन्होंने कहा तू आजाद है। फिर मैंने रकम दे दी, मुझे वो रकम चाहिए। इमाम जाफर मुस्कुराए, कहा कि शख्स तू धोखा खा गया, ये मेरा सोहबत याफ्ता है, कुछ तो इल्म का हिस्सा इसे मिलेगा ना। सोहबत से तो धरो दीवार बदल जाती है, तो इंसान है। कादर में समझा नहीं, कहा सुन तुझसे धोखा हुआ, तू पहले रकम लेता फिर कहता आजाद है। जब तूने कहा आजाद है तो ये आजाद हो चुका था, अब ये गुलाम नहीं था, तो एक आजाद से रकम लेना तेरा जायज नहीं था। कितना टेक्निकल बारीक मामला है वो भाई, आजाद हो गया ना, पहले का आजाद है, अब पैसे तो उसी के हाथ में, तो पहले रकम ले लेना था, जब रकम लेता तो ये तब गुलाम ही था, और उसके बाद कहता तू आजाद है। तूने पहले ही कह दिया आजाद है, जब पहले कह दिया तो ये आजाद हो गया, अब जब रकम दी तो एक आजाद मर्द और आजाद शख्स की हैसियत से इसने रकम दी है, तो ये रकम का तुझ पर अब हक नहीं है, इसको दे दे। ये जहानत थी इमाम जाफर के गुलामों की। इमाम जाफर तो इमाम जाफर थे। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज के लिए गया, ये बहुत बड़े सूफी है शफीक बल्खी, कहते मैंने देखा हरम में एक नौजवान बैठा हुआ है लोगों से अलग थलग, और मैंने ख्याल किया कि शायद लोग इसको मकरू जानते हैं, पसंद नहीं करते, इसलिए लोगों ने इसको दूर कर दिया अपने आप से, लोग इससे बेजार है शायद, इसलिए अलग थलग बैठा है। कहते मैं करीब गया तो मुझे लगा कि ये कोई अल्लाह का वली मालूम होता है, अल्लाह का मकबूल बंदा है। तो मैंने इरादा किया कि पहले तवाफ वगैरह से फारिग हो जाऊं और उसके बाद इससे मुलाकात करूं। कहते मैं तवाफ से फारिग हुआ तो वो नौजवान को फिर मैंने नहीं देखा, चला गया था, मुझे अफसोस हुआ। कहते फिर मैं मीना पहुंचा तो मुझे फिर वही नौजवान दिखा कि कुएं के पास खड़ा हुआ है वो। जब मैं करीब गया तो देखा कि डोल से वो पानी निकाल रहा है, कि अचानक उसकी डोल कुएं में गिर पड़ी, छूट गई उसके हाथ से, डोल चले गई कुएं में। निगाह उठाता है वो नौजवान आसमान की तरफ, कहता रब्बे कदीर ये एक ही डोल थी, इसको मुझसे ना छीन, ए मौला एक ही मेरे पास था, ये मुझसे, मुझे इससे ना छीन, इससे दूर मुझे ना कर। ये अल्फाज निकले फरमाते मैंने देखा कुएं का पानी उबलने लगा और उसका डोल ऊपर आया। उस शख्स ने फिर, उस नौजवान ने डोल लिया, पानी भरा उसी कुएं से, फिर एक सिम निकला। कहते मैंने पीछा किया, लोगों की निगाहों से दूर रेगिस्तान में बैठ गया एक जगह, फिर रेत उठाता उस डोल पानी में डालता हिलाता और पीता, फिर रेत उठाता फिर वो डोल में डालता हिलाता फिर पीता। मैंने कहा अजीब नौजवान है, रेत खा रहा है, पानी में रेत घोल के खा रहा है। करीब पहुंचा, मैंने सलाम किया, सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा जो कुछ आप पी रहे हैं या खा रहे हैं मुझे भी इसमें से कुछ अता कीजिए, कहा एक शर्त पर, कहा शर्त क्या है, कहा शर्त यह है कि इसका तस्करा किसी से ना करना। कहा नहीं ये तो नहीं होगा, कुछ अच्छी चीज पाऊंगा तो भी जिक्र करूंगा, बुरी चीज पाऊंगा तो भी जिक्र करूंगा। कहा अच्छा ठीक है मेरे विसाल के बाद, कहा मैं आपको नहीं जानता, बहरहाल वादा करता हूं। उस नौजवान ने वो डोल बढ़ाया, कहते कसम वादा लो ला शरीक की, जब मैंने डोल देखा तो उसमें बेहतरीन खुशबूदार सत्तू थे और उसमें शकर थी, वो रेत नहीं थी। और जब मैंने खाया तो कहते कसम परवरदिगार की ऐसा लजीज चीज मैंने आज तक खाई नहीं थी। मैंने फिर शुक्र अदा किया उसका और डोल उसका उसको लौटा दिया। कहते फिर वो करीब बढ़ा और उसने कहा रब्बे कदीर मेरे लिबास कपड़ा फट गया है, पुराना हो गया है, नया लिबास दे। आसमान से लिबास उतरता है, उस नौजवान ने वो लिबास को जेबतन किया, पुराना लिबास उतारा, पोटली बनाया, बगल में ले जा रहा था। शफीक बल्की कहते मैंने कहा ये लिबास मुझे दे दो। कहा तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारा क्या हक है इस पर। कहा जब आप कह रहे थे अल्लाह से परवरदिगार मुझे लिबास फट गया नया दे, तो मैं आमीन कह रहा था, आपकी दुआ में मैं भी शरीक हूँ, क्या करूँगे, आप अल्लाह के कोई वली मालूम होते हैं, बतौर तबर्रुक रखूंगा लिबास, अच्छा ले लो, दे दिया। फिर कहा बल्की क्यों, ए शफीक बल्की क्यों पीछा कर रहा है। कहा आप मेरा नाम भी जानते। कहा मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, अल्लाह के राजों में से राज हमारे दिलों में पोशीदा है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। शबीक बल्फी कहते हैं मैं पीछा करता रहा और जब वो शख्स हरम की हदूदों में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक जम्मे गफीर उसकी तरफ टूटा, लोग उससे मुसाफा करते, हाथ चूमते और हर शख्स कहता अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह। कहते मैंने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा इमाम जाफर सादिक है।
अजीब बात है कि पहले हरम में बैठे थे, कोई मुतवज्जे नहीं था, अब ये इतने सफर के बाद हरम में आए तो सब मुतवज्जे है। तो लोगों ने कहा ये वो वक्त के वली कामिल है, जब चाहते मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जे करते और जब चाहते अपने से फेर देते हैं, दिल इनके इख्तियार में है लोगों के, जब चाहे दिलों को अपनी तरफ फेरे और जब चाहे दूसरों की तरफ लौटा दे। ये है इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला ने, सब्र इस्तदलाल, सब्र इस्तकामत। एक मरतबा बैठे हुए हैं रोते हुए, एक बुजुर्ग का बयान है कि वो कहते हैं कि मैं इमाम जाफर से मिलने गया, आंखों में आंसू है आपके, अफसुरदा बैठे हुए। मैंने कहा इमाम क्या हुआ, किस चीज ने रुला दिया? फरमाते हैं आज मेरे छोटे एक शीरखार बच्चे का इंतकाल हो गया, मगर ऐसा शख्स मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि उसके मेरा बच्चे का इंतकाल हो गया, रोने का सबब कुछ और है। अरे बच्चे का इंतकाल हुआ फिर क्या सबब है? क्या बच्चे की मौत से भी बड़ा कोई सदमा है? कहा हां उससे बड़ा एक सदमा है। कहा वो क्या? कहा हुआ ये कि मैंने अपनी लौंडी और कनीजों को मना कर रखा है कि मकान की छत पर ना चढ़ा करे, बेपर्दगी होती है, मगर मेरा एक शीरखार दूध पीता बच्चा रो रहा था, तो वो कनीस बच्चे को बहलाने के लिए वो मकान की छत पर, टेरिस जिसको हम बोलते हैं, उस पर ले गई। सीढ़ी से उतर रही थी, बच्चा चुप हो गया, अचानक मैं आ गया और चूंकि मैंने मना किया था वो खौफ ज़दा हो गई कि अब ये मुझे डांटेंगे, तो मेरा खौफ उस पर इतना तारी हुआ कि घबराहट में उसके हाथ से बच्चा छूट गया और वो बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया। तो कहते कि मैंने उसी वक्त उस कनीज को कहा कनीज जा तू आजाद है। कहा इमाम आपने तो उसको सजा देना था, आपने आजाद क्यों किया? कहा ये रही तो रोने का मसला है, यही तो अफसोस का मसला है, मुझे अफसोस इसी बात पर हुआ कि मेरी हैबत, मेरे रोब उस पर इतना तारी हुआ कि उसके हाथ से बच्चा छूट गया, जितनी देर वो मेरे रोब से हैबत से घबरा गई और उसका दिल जो लरस गया, अल्लाह ताला ने अगर उसके बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा रब्बे कायनात, मुझे अफसोस इस बात का है, इस बात का नहीं कि मेरा बच्चा मर गया है। तो ये वो बुजुर्ग थे जो किसी का दिल दुख जाए ये भी गवारा नहीं था। तो इसलिए तो हम कहते हैं जब इनसे हम हाजतें मांगते तो हमें मिलता है, क्योंकि ये किसी का दर्द तकलीफ देखना गवारा नहीं करते ये। तो ये इमाम जाफर सादिक का किरदार था। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, कुछ हुज्जाज आए हुए हैं हज के लिए, एक हाजी साहब सो रहे हैं। हाजी साहब उठे, पोटली इधर उधर देखी, उनको ख्याल हुआ 1000 दिरहम थे उनके पास सिक्के चांदी के, देखा रो हीरे सिक्के नहीं मिले, चलाने लगे मेरे सिक्के चोरी हो गए। पास में इमाम जाफर पर बैठे थे, पहुंचे का यही चोर है, इसी ने चुराया। आपने कहा अच्छा चलो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे 1000 सिक्के तुम्हें लौटा देता हूं। घर लाया, 1000 दिरहम की पोटली उसको दे दी। उसके बाद जब उसने 1000 दिरहम की पोटली ली और जब अपनी पोटली में रखना चाहा तो देखता है कि उसके सिक्के पोटली में पहले से मौजूद है, हड़बड़ाहट में देख नहीं पाया, कहता है कि मुझसे गलती हुई, आप तो चोर नहीं है, असल में गलती मेरी ही है कि मैंने ठीक से देखा नहीं और समझा माल चोरी हो गया, आप करीब बैठे थे, मैंने आप ही को चोर समझा, माफी चाहता हूँ, अपने 1000 दिरहम रखी। आपने फरमाया जो तुमने बदगुमानी की वो तो माफ किया, लेकिन हम अहले बैते नबुवत है, जो चीज दे देते हैं फिर लेते नहीं है, जा वो तेरी है, देने के बाद हम लेते नहीं है। तो ये सब्र तहम्मुल। इनके जमाने का बादशाह मंसूर, बड़ा जालिम बादशाह, इमाम अबू हनीफा इसी के दौर में शहीद हुए, इसी ने उनको शहीद किया। मंसूर के कान भर दिए गए कि साहब इमाम जाफर के इर्द गिर्द बहुत उनके चाहने वाले जमा होते रहते हैं, एक जम्मे गफीर है, एक मजमा है, कहीं ऐसा ना हो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट दे, बगावत ना कर दे ये लोग किसी दिन। मंसूर घबराया, कहा के जाओ खबर दो के ए जाफर दरबार में हाजिर हो, ताकि अब मेरे रोब मेरा दबदबा उन पर हावी हो। इमाम जाफर को बुलाया गया, इमाम जाफर पहुंचे दरबार में, जैसे दरबार में गए दाखिल हुए, मंसूर का यह हाल था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बातें ये कि आएंगे तो ये कहूंगा, ये डांटूंगा, वो सुनाऊंगा, ये करूंगा, पूरे दरबार में वजीर वजीर के भाई अब जैसे आएंगे तो आज इमाम जाफर सादिक की कोई खैर नहीं है, बादशाह बड़े गुस्से में। मगर जैसे इमाम जाफर सादिक दाखिल हुए, मंजर क्या था, अदब से खड़ा हो गया, तख्त से उतरा, दौड़ता हुआ आया, हाथ को बोसा दिया और हाथ पकड़ के लाके अपने तख्त पे बिठा देता, खुद ही हाथ बांध के खड़ा है। सारे अहले दरबार हैरत में,
अरे ये तो पूरा उल्टा ही किस्सा हो गया, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। इमाम ने कहा तू भी बैठ जा, आखिर ये तख्त तेरा ही है, इसको हमें हम इस तख्त की हमें कोई जरूरत नहीं। बाजू बैठ गया। अब इतनी हैबत और इतनी घबराहट टारी हुई कि पानी तलब करता है। ताली बजाई, खादिम जी उधर कनीस से कहो पानी लाए। अब बड़े नखरे रहते थे बादशाहों के। कनीस प्याले में पानी लाती है, मंसूर ने प्याला उठाया पीना चाहता था, इमाम जाफर सादिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, मंसूर ठहर जा, रुक जा, मेरे एक सवाल का जवाब दे। बोले हुजूर बहुत शिद्दत की प्यास है, पानी पी लेने दीजिए फिर पूछ लेना आप। नहीं अभी बता। अच्छा पूछिए। कितनी प्यास है तुझे? बहुत शिद्दत की प्यास, नहीं मिलेगा ये पानी मैं मर जाऊंगा, आप नहीं जानते मेरी क्या हालत है इस वक्त। अच्छा ये बता, अगर ये पानी तुझे ना मिले और इसके वक्त तुझसे कहा जाए कि एक प्याला पानी ले और इसके वक्त कुछ दे, तो इस एक प्याला पानी को इस वक्त हासिल करने के लिए तू क्या दे सकता है? का आधी हुकूमत। अभी मेरा हाल यह है कि अगर इस एक प्याला पानी के लिए मैं अपनी आधी हुकूमत किसी को दे सकता हूं। कच्चा पी ले, पी लिया, गिलास वापस कर दिया। अब इमाम फरमाते एक और सवाल का जवाब दे। बोले फरमाइए, जो पानी तूने पिया है तेरे पेट में गया, वो बाहर ही ना निकले, ताफुन फैला दे, बीमारी फैलाए, और कोई तबीब आए कहा कि एक शर्त पे ये पानी निकालूंगा, मेरे पास इलाज है, शर्त ये है इसके बाद मुझे कुछ चाहिए, तो तू इस पानी को अपने जिस्म से खारिज करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए क्या दे सकता है? देखो बुजुर्गों की नसीहतें कैसी होती थी। कहता है आधी हुकूमत। फरमाया, हंसते या मुस्कुराते कहते मंसूर किस चीज पे अकड़ता है तू? पानी पीने के लिए आधी हुकूमत, पानी निकालने के लिए आधी हुकूमत, जान ले तेरी पूरी हुकूमत की औकात एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है, यह है तेरी औकात। बताइए जिस चीजों पे अकड़ते हैं हम, इमाम ने कितना आसानी से उस फिलॉसफी को बयान कर दिया। किस पे हम घमंड कर रहे हैं? पूरा बादशाह वक्त की औकात एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है उसकी हुकूमत और ताकत की। हम दो चार बिल्डिंग में ही समझ रहे कि हम बोल रहे तुर्रम खा हो गए, इसको डांट उसको डपाट उससे बदतमीजी उससे, यानी अकड़ का यह हाल है कि अपने मुसलमान भाई से अदब से बात करने के लिए भी तैयार नहीं, दौलत का घमंड इतना आ जाता है। इमाम ने बताया कि ये है औकात इंसान, जितना एक गरीब आदमी एक प्याला पानी का मोहताज है उतना एक बादशाह भी। उसके बाद बहर सलाम किया इमाम, हजरत इमाम जाफर ने चले आए। लोगों ने पूछा है मंसूरी तो बड़ा अजीब मामला हुआ, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा ये कर डालूंगा, आलम क्या है? कब बदबख्तो तुम नहीं जानते ये खानदान नबूवत के अफराद है, अल्लाह जाने बातें तो बड़ी की थी, जब आया मैं इनके चेहरे पे निगाह पड़ी तो मेरी घबराहट का ये आलम था कि अगर ये मुझे सहारा देके तख्त में ना बिठाते कसम खुदा की गज खा के मैं गिर जाता, इनकी हैबत होती। तो दुश्मनों के लिए हैबत का ये आलम और अजीजों के लिए मोहब्बत का ये आलम। मगर लोग कान भरते ही रहे मंसूर के। फिर मंसूर ने एक दिन हिम्मत जुटाई, अब उसके बाद कहा कि जाफर को शहीद कर दो, कत्ल कर दो। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद से कहता जल्लाद सुन इस दरवाजे की आड़ में छुप जा, जैसे ही इमाम जाफर महल में दाखिल होंगे मैं बुलाता हूं, मैं एक इशारा करूंगा पीछे से आना कत्ल कर देना। हुजूर इशारा क्या हुआ? मैं अपने ताज को दो बार ऐसा उठाऊंगा रख दूंगा, ऐसा उठाऊंगा रख दूंगा, समझ जाना इशारा है कि कत्ल कर दो, गर्दन उड़ा दो। जल्लाद बरहना तलवार लिए खड़ा है। इमाम जाफर सादिक को अब इत्तला दी जाती है कि मंसूर ने तलब किया है। इमाम जाफर सादिक महल में दाखिल होते, जैसे ही दाखिल होते इस बार भी वही हैबत का यह आलम बादशाह के थर 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 कांप रहा है। तख्त से उतरता है, फिर हाथ चूमता है, दस्तबोसी करता है, तख्त पे लाके बिठा देता है। जल्लाद इंतजार में, अरे ये क्या हुआ? फिर बड़े अदब से पूछता, हुजूर कोई जरूरत हो तो बयान कीजिए। फरमाया, एक ही जरूरत है, तू चाहता है कि मेरी जरूरत पूरी करे तो बस एक जरूरत है और वो पूरी कर। बोले हुजूर फरमाइए, खादिम हूं आपका, जरूरत ये है कि आइंदा मत बुलाना। बोले जी हुजूर। ये कह के इमाम जाफर निकल गए। ये अचानक उठा, सीधा ख्वाबगाह में गया और इतनी देर सोता रहा कि इसकी नमाज भी कजा हो गई एक वक्त की। जब बेदार हुआ, वजीर वगैरह पहुंचे, जल्लाद पहुंचा, हुजूर आपने इशारा नहीं किया, मैं आपके इशारे का मुंतजिर, क्या हो गया था आपको?
कहा बदबख्त तो तुम नहीं जानते, कसम खुदा की जब इमाम जाफर महल में दाखिल हुए उस सांप को तुमने नहीं देखा जो मेरी निगाह देख रही थी। किस सांप को? हमें तो नहीं दिखा। एक सांप था जो मुंह फाड़े पूरे महल को अपने मुंह में लिए हुआ था और फसी जबान में कह रहा था अगर तूने इमाम जाफर को जरा भी नुकसान पहुंचाया पूरे महल समेत निगल लूंगा तुझे। बस वो हैबत थी कि मैं कुछ नहीं कर सका। चुनांचे ये अहले बैत का हाल था। अब यहां में वक्त तो बहुत हो रहा है, चलिए 148 हिजरी में शव्वाल का महीना आपका विसाल हुआ। अब यहां दो रिवायतें हैं उलमा की इख्तलाफ है। बाद ने कहा कि मंसूर ने जहर दिया था आपको, कनीज के जरिए जहर दिलवाया गया उससे शहीद हुए, मगर बाद मौर्रखीन इसका इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं आप जहर से शहीद नहीं हो बल्कि कुदरती जैसे कि मौत होती है बिस्तर पर उस आलम में आपका विसाल हुआ। जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है इमाम जाफर सादिक की, हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के करीब, इमाम हसन के करीब, वहाँ पर आप आराम फरमाएं, फ्यूज़ बरकात जारी है। चूँकि हमारे इमाम के उस्ताद है, और हमारे इमाम नहीं बल्कि हमारे जितने और भी इमाम जैसे इमाम मालिक वगैरह सब इनके शागिर्द दिया, इन्हीं के फैज़ याफ्ता रहे, इस बिना पर इनकी नियाज़ हमारे यहाँ भी रायज है कुंडे के नाम से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा इस ताल्लुक से, ये सवाल बार बार उठाया जाता है कुंडे की असल क्या है। वहां भी ऐसे पूछते जैसे बेचारे हर चीज असल देख के ही करते हो, असल ना मिले तो बेचारे खाना भी नहीं खाते हो, आइसक्रीम खाने से पहले कभी नहीं पूछा इसकी असल क्या है, फालूदा पीने से कभी नहीं पहले पूछा इसकी असल क्या है। कुंडे के बारे में बड़ी फिक्र है भाई इसकी असल क्या है। आला से पूछा किसी ने तो आला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया इसकी असल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, असल यह है कि फातिहा और नियाज हमारे यहाँ सुन्नत तरीका है, बस यही इसकी असल है। हर बुजुर्ग की फातिहा हमारे रायज है, इमाम जाफर भी हमारे बुजुर्ग है इनकी भी फातिहा। अब रह गया कुंडे क्यों कहते हैं, पहले के लोगों का ये दस्तूर था मिट्टी के बर्तनों में खाते थे मिट्टी के बर्तनों में पीते थे, तो इनकी फातिहा के लिए इहतमाम किया जाता था कि नए कुंडे मिट्टी के लाए जाते थे नए बर्तन, तो कहा जाता था कुंडे की फातिहा। अब चूंकि ज़माना तरक्की कर गया मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल नहीं करता है, इस्तेमाल में अब आजकल स्टील वगैरह के ही बर्तन चलते हैं, तो उलमा साहब फरमाते हैं कि इसके लिए मिट्टी के कुंडे की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्टील के बर्तन में ही रखकर अगर फातिहा दे दे तो ये भी जायज़ है, फिर कुंडे ही बनाया जाए ये भी जायज़ नहीं। बॉम्बे का नहीं पता, नागपुर में था ये चीज़, तो अल्लाह के फजल से उलमा भी बोलने लगे, मैं भी बोलता रहता हूँ, फिर इश्तहारात भी निकलते रहे, तो अब धीरे धीरे वो बंद हो गया। पहले हमारे यहाँ रिवाज था जिस दिन कुंडे होते गोश्त नहीं बनता था, शायद यहाँ भी है कैसा है गोश्त नहीं बनता साहब, बोले क्यों कुंडे के दिन गोश्त नहीं खा सकते, तो इसकी कोई असल नहीं है। अब हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती है भाई, उस दिन जो पूरी बनाते इमाम जाफर ने कभी देखा भी नहीं होगा पूरी, और अहले अरब सबसे ज्यादा गोश्त ही खाते थे, ऊंट का गोश्त बकरे का गोश्त उसका गोश्त समझ रहे, उसका भी गोश्त खाते थे, तो गोश्त ही खाते थे अहले अरब की असल गिजा गोश्त ही होती थी, तो इसकी भी कोई असल नहीं कि उस दिन गोश्त ना बने। गोश्त बनाइए जो चाहे आप नेमतें बनाए, और आलत फरमाते हैं कि फातिहा में जो इस्तेतात हो जितना अच्छा बना सकते हो वो बनाया जाए, अगुरबा मसाकिन को खिलाया जाए। फिर यह भी एक रस्म है उस दिन बड़े लिपाई पाई होती है साहब, यहाँ भी होता है पूरे वो घर के गोदड़ियां निकलेंगी और वो सतरंजियां निकलेंगी, एक एक सामान ऐसा रगड़ाई होती है कि पूछिए मत, औरतें काम कर करके थक जाती चूर हो जाती, इसके भी कोई असल नहीं है। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की फातिहा के लिए तो ये एहतमाम नहीं करते, होता कि मिलादुन्नबी में आप सब ऐसी करते हो एक एक गोदड़ियां एक एक रजाइयां धोते हो, नहीं सरकार तो इमाम जाफर से भी बड़े, तो ये फातिहा के लिए कोई शर्तें नहीं है कि साहब एक एक घर का कपड़ा धुलावा होना और ये और वो, कुछ भी नहीं है। जैसे आम फातिहा वैसे इमाम जाफर की फातिहा। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक बड़ा अजीब दस्तूर था, अब ख़त्म हो गया, लेकिन जब से बोलने लगे नॉलेज बढ़ रही है तो अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ की जहालत और कम इल्मी भी जाते जा रही है, तो इसलिए हम बोलते भी हैं वहाबियों को कि आप इस्लाह के नाम पर शिर्क के फतवे मत लगाओ, जो जितना हुक्म है उतना बयान करो, ये ज्यादत ही करते हर चीज़ को शिर्क शिर्क। उसके लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ, सर में दर्द होना तो सर दर्द का इलाज कीजिए गर्दन काट के मत फेंक दीजिए, और इनका उसूल गर्दन काट के ही फेंक दो, सर में तो इलाज दर्द हो रहा था गर्दन काट फेंक दे, बेवकूफ मर गया वो आदमी, तूने शिर्क का फतवा लगा कि तो उसका ईमान को ही मुर्दा कर दिया तूने। तो जितनी बीमारी है उतने इलाज की बात करो,
जो नाजायज है नाजायज है, जो मना है मना है, जो मकरूह है मकरूह है, जो मकरूह तंजी है मकरूह तंजी है, जो तहरीमी है तहरीमी है, मगर कुछ इस्तेलाह नहीं मालूम। जो मुंह में आया शिरक शिरक, हद तो यह है कि थानवी साहब ने लिख दिया बेस्टी देवर में, सहरा पहनना शिरक, सेवैया खाना शिरक। अरे क्या है यार, ये सेवई खाना भी शिरक है? कोई अल्लाह ताला सेवई खाता है माजल्ला के बंदे ने खाया तो जात में शरीक कर दिया? अजीब मजहब बना रखा है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, देखो बात जहन से निकल गई, कि हमारे यहां बहरहाल जहालत जा रही है। पहले ये था कि साहब मगरिब से पहले पूरा खत्म करो। आप क्या है क्या ये हा? कुछ जगह है मगरिब से पहले खत्म करो। तो हमारे यहां यह हाल होता था, बच जाता था तो मस्जिद में जबरदस्ती लाके लोग छोड़ छोड़ के भागते थे। इधर जमात हो रही है वो लाया रखे भाग। अब सलाम फेरे तो इमाम साहब ये मस्जिद में भरा है सैन में सब कुंडे, और तब बची हुई खीर बची हुई पूरियां, तब वो बेचारे जमाती दिन भर से कुंडे ही खा रहे तो क्या खाना होगा। तो हमारे मौलाना रफीक साहब है हमारे मस्जिद के, बहुत गुस्से के तेज है, फेंक दे तालाब में फेंक दे, जुम्मा तालाब से लग करे मस्जिद, जुम्मा तालाब भी है वहां पर, फेंक दे तालाब में, तो तालाब में फेंक देते थे वो। तो बाद में फिर समझाया गया लोगों को, भाई खा नहीं रहे हो लोगों का तो ये कोई मसला नहीं है कि उसको रख नहीं सकते आप, जब तक वो अच्छा है खाने लायक है उतना स्टॉक करके रख सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। जैसे आम खाना आम न्याज का वैसी है, एक हुआ बना दिया, यानी ऐसा हुआ बना दिया न्याज को, कैसा बताते गोया इमाम जाफर इतने कड़क है कि डंडा लेके खड़े है, जरा सी गड़बड़ी के दिए दन करके। इतने नर्म मिजाज थे इमाम जाफर सादिक, उनकी सीरत पढ़ा भी है मैंने, एक झलक बताई कि उनका अपना बच्चा में इंतकाल कर गया। अफसोस बच्चे का नहीं है, अफसोस किस बात का है कि वो हैबत से जो उसको तकलीफ हुई है। इतने नर्म मिजाज इमाम जाफर की, लेकिन अजीब बना दिया। तो इसके भी असल नहीं है कि आप मगरिब से पहले खाएं, मगरिब के बाद खाएं, दूसरे दिन खाएं, तीसरे दिन खाएं, फ्रिज में स्टॉक करके एक महीना खाते रहें, मगर गरीबों को भी खिलाएं। ये नहीं अब स्टॉक बोले तो किसी को कुछ दे ही नहीं रहे पूरा स्टॉक, ये भी नहीं भाई। और उसमें हर चीज भी रखी जा सकती है, महज कुंडे ही नहीं, खाना मिठाई जो आपको दस्तियाब हो इस चीज का रिवाज करें। एक और रस्म थी हमारे यहाँ, अभी अभी कुछ घरों में है, कुछ घरों से छड़ निकल गई है, हाथ धोने के लिए एक बाल्टी रख दी जाती थी। यहाँ होता है, मैं पूछ रहा हूँ ताकि देख रहा हूँ कि नागपुर और बम्बई में सिमिलरिटी कितनी है, कॉमन कितना है, मतलब ऐसा लग रहा सब एक ही है पूरे, एक ही थाली के जट्टे बट्टे है दोनों जगह। एक बाल्टी रख दिए कोने में, हाथ यहीं धोना, अब वो इतना सा पानी डाल रहे हैं, पानी में कंजूसी हो रही है कि वो बाल्टी जल्दी ना भरे। हाथ धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे, मगर वो बड़ी बारीकी नजाकत के साथ। इस पे एक मैं लतीफा भी सुनाऊंगा आपको। अब उसके बाद ये हुआ कि वो बाल्टी भर पानी जमा हो गया, फिर गड्ढा खोदा जा रहा है और गड्ढा खोद के डाले। तो मैं कहता हूँ क्या हर न्याज में आप ऐसा करते हैं? नहीं, इसकी भी कोई असल नहीं है। जैसे आम हाथ धोए जाते हैं वैसे धो लीजिए। एक बदअकीदा वहाबी ने हमारे यहाँ, जहीर करके नाम है, मेरे दोस्तों में होता है, दोस्तों में साथ में पढ़ा है, ग्यारहवीं होती थी उसके यहाँ। तो एक वहाबी ने जहन में शोभा डाल दिया उसके वालिद के। अब देखिए आजकल वहाबी भी पैतरे बदल रहे हैं, आजकल सलाम भी पढ़ रही है, आपको मालूम है सलाम भी पढ़ने लग गए। देखिए अब मतलब बहरूप कैसे बहरूप बदल रहे हैं ये। और अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये अपने बाप की वसीयत पे अमल कर रहे हैं, कमालाते अशरफिया में अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि अगर रजाखानियों के इलाके में जाएं और वहां काम करने की जरूरत हो और अपना अकीदा फैलाने की जरूरत हो तो मिलाद वगैरह में सलाम भी पढ़ लिया जाए, खड़े भी हुआ जाए, और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर सुरंग डाली जाए। ये लिखा है थानवी ने, तो ये चूहे है सुरंग डालते अंदर अंदर। अब उसने देखिए कैसी सुरंग डाला, वो हमारे जहीर के वालिद को बोलता है, ग्यारहवीं बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज है। देखिए लेकिन क्या होता है, आप वो एक बर्तन ला के रख देते हैं, उसमें गोश्त हड्डियां सब होती है, फिर उसके बाद वो फातिया पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब कहते हैं भाई ये देखिए तबर्रुक हो गया है, मुकद्दस हो गया है, तो उसका दाना भी नहीं गिरने देते, नियाज हो गई ना, कुरान पढ़ दिया गया है। लेकिन देखिए अब होता क्या है कि हड्डियां जब फेंक देते हैं तो उसको कुत्ते खाते हैं, सुअर खाते हैं, नजीज जानवर खाते हैं, और उस पर कुरान पढ़ा था, हड्डी पे भी तो पढ़ा गया ना, हड्डी भी तो थी, तो कुरान की बेहरमती हो रही है। अब देखिए कैसे वार किया उसने, उनके दिमाग में आ गया, अरे हाँ यार बात तो सही है, कुरान पढ़ रहे अपन, पानी पे कोई कुरान पढ़ के दम कर दे तो पानी अपन बड़े ताजीम से पीते, भाई इस पर पानी पढ़ के दम कर दिए। फातिया में भी खाना रखते हैं, फातिया पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अब उसमें गोश्त है, बिरयानी बनी है मान लीजिए, पुलाव बना है तो उसमें गोश्त है, हड्डी है, तो गोश्त तो खा ली, हड्डी तो फेंकते ही ना आखिर, और फिर होता है कुत्ते भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं। ग्यारहवीं बंद,
कौन बला में पड़े भाई, इतनी एहतियात होती नहीं, हड्डी दफन करो बोले। अब एक बार ये हुआ कि वो जहीर आया, यार फारूक भाई यार वो अब्बा जो है ना वो वहाबियत की तरफ जा रहे, मिलाओ यार बड़े मियाँ से। मुलाकात हुई, क्या हुआ चचा, क्या हो गया ऐसा? तो चचा बहुत देर के बाद उगले, तो बहुत देर के बाद, बेटा ऐसा है अपन जो तरीका अपन ने सुन्नियत के नाम पे बना लिया ना बेटा, वो सब गलत है ये। अच्छा गलत, क्या गलत है? 11वीं क्यों ले लो आप 11वीं? मैंने कहा आपको मुझ पर भरोसा है? हाँ माशाल्लाह आपको तो अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया। मैंने कहा इस साल 11वीं रखो, 6-7 लोगों को बुलाओ, मगर उस मौलवी को जरूर बुलाओ, उसको भी जरूर बुलाओ। बोले वो नहीं आएंगे। अरे मतलब फोर्स करके बुलाओ। और अगर मैंने कहा वहां उसको मैंने मुतमईन नहीं कर दिया, तो फिर उस दिन से मैं आपको कहूंगा कि 11वीं मत करना। मैंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। और मैंने कहा उस खबीस से 11वीं ना मनवा लिया तो अपने बाप की औलाद नहीं बोलना। अब वो बहुत मैंने जब फोर्स किया, भी मेरे दोस्तों ने भी दबाव डाले तो तैयार हो गए बड़े। बहरहाल उन्होंने 11वीं रखी, बहुत इंतजार के बाद वो 11वीं के नाम पे फातिहा वातिया रखी, बुलाई मौलवी को भी बुलाए साहब, मौलवी साहब भी आ गए। खाने आ जाते ये लोग बड़े बेशर्म होते हैं, ये बात खास है, गरुल्ला चलता रहेगा, लेकिन खाने बुलाओ तो बेशर्म आ जाएंगे, गधे की तरह मुंह डालने आ जाते। आ गए वो साहब, अब बैठे हैं, तो वो जहीर के वालिद साहब हमारे, ये हमारे दोस्त के साथ पढ़े हैं, ये जनाब फारूक रजवी साहब है। अच्छा 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 मैं कहा मौल साहब ये बता रहे थे कि 11वीं का जो मामला है बड़ा मुकद्दस नियाज है। हाँ हम गौसे आजम, अब शेख अब्दुल कादिर, गौस पाक नहीं बोलता था वो, शेख अब्दुल कादिर पीरों के पीर है, बहुत बड़े वली है, तो उनकी न्याज का तो बड़ा एहतराम है भाई, तो एहतियात करनी चाहिए हड्डी वगैरह दफन कर देने, और जब नहीं हो तो ना करें, फर्द वाजिब तो है ही नहीं, अगर एहतियात होती तो करे, नहीं तो ना करे। अब जाहिर है आदमी एहतियात नहीं होती तो घबराता है तो फिर छोड़ देता है, ये पैतरा उसने अपनाया। मैंने कहा ये बताइए मौल साहब ये न्याज किसकी है? ये तो शेख अब्दुल कादिर की न्याज कही जाती है। अच्छा मैंने कहा उनसे मंसूब है ना, लेकिन मैंने कहा एक और न्याज है, इस न्याज का करने का ना गौस पाक ने हुक्म दिया, ना मैंने कहा रसूलुल्लाह का कोई फरमान है, ये सुन्नी बुजुर्गों ने शुरू किया, सुन्नियों की खराज अकीदत पेश करने का तरीका है, ये फर्ज है ना वाजिब है? हाँ बेशक बेशक। मैंने कहा करे तो सवाब, ना करे तो कोई गुनाह नहीं, अगर कोई 11वीं शरीफ ना करे तो ऐसा है कि गौसबाग कयामत में पूछेंगे क्यों भाई 11वीं क्यों नहीं किया था तूने मेरी, नहीं पूछेंगे। लेकिन मैंने कहा एक न्याज तो वाजिब है और वो आप भी करते हैं, और वो है नबी की न्याज, नबी से मंसूब, और वो है कुर्बानी, और वो है वाजिब, माल हो तो वाजिब। तो मैंने कहा मौलाना उसकी हड्डी आप निगल लेते हैं क्या? हो गया फबू है तल्लाजी कफर, उसकी हड्डी क्या करते? ईशा का वक्त हो गया है इंशाल्लाह, आपसे माशाल्लाह आप कहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, गलत फहमी में आप, पढ़ नहीं रहे हैं पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, मैं गौर करूंगा। वो हमारे फिर जहीर के वालिद का दिमाग खुला, रे यार मैंने कहा ये है फितीन, ये शैतान है, इनको सब नहीं पुर पाएंगे, इनके लिए रजा के नेज गुलाम चाहिए, रजा के नेजों के साथ। तो ऐसे जहनों में डालते हैं, ऐसी कई मिसालें हैं कि जहनों में कैसे मतलब शुबहात डाल दिए जाते हैं। इसलिए बस आखिरी बात पर मैं खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक नसीहत प्रोग्रामों में करता हूँ, अपने उलमा से राबता रखिए। होता है बाज़ औक़ात एक मौलाना से आप मसला पूछते हैं, नहीं बता पाता है मौलाना, ये मत सोचिए यार मौलाना ने बताया तो छोड़ो यार, दूसरे मौलाना से पूछिए, ऐसे मौलाना से तो सोबत इख्तियार कीजिए जो बताते हैं। और उलमा से भी गुजारिश है मेरी, मेरा हैसियत नहीं है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ, मतलब आपका खादिम होने के तौर पर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अवाम अगर कुछ पूछती हमारी, जवाब देना, मुतमईन करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मालूम हो, नहीं मालूम है, होता हज़ारों बात है। इमाम मालिक के बारे में आए, इमाम मालिक से 10 मसले पूछे गए, 8 के बारे में इमाम मालिक ने फरमाया लादरी मैं नहीं जानता, 2 मसले का जवाब दिए। इमाम शाफई से एक शख्स पूछने आता है, इमाम इसका मसला बताइए इसका बताइए, आपने फरमाया इस ताल्लुक से 3 हदीसें हैं, 2 हदीसें यह, 1 हदीस मुझे याद नहीं रही। तो उसने कहा आप कैसे इमाम हैं, 1 हदीस भूल गए? कहा शख्स तुझे तो 2 भी नहीं मालूम थी, तो तभी तो इमाम हूं। और हजरत अली ने कितनी प्यारी बात फरमाई, हजरत अली मिंबर पे खड़े हैं, तशरीफ फरमाए, फरमाते सलूनी पूछो जो चाहे पूछना पूछ लो। एक शख्स ने ऐसा सवाल किया कि हजरत अली ने फरमाया लादरी मैं नहीं जानता,
अली बड़ी अजीब बात है, अभी अभी तो दावा किया सलोनी और अब कह रहे लादरी नहीं जानता, हालांकि जानते थे, मेरा अकीदा है कि जानते थे, मगर हमारी तालीम के लिए क्या फरमाया, क्या शख्स जो मैं जानता हूं वो बता देता हूं और जो नहीं जानता तो मैंने रसूल से सुना कि जब किसी आलिम से पूछा जाए तो जानता हो तो बता दे, ना मालूम हो तो कहे वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम, ये कहना भी इल्म से है, ये भी इल्म है। तो मुझे जो नहीं मानू तो मैंने कह दिया लादरी वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। कहा फिर आपको क्या हक है मेंबर पे बैठने का, जब आपको मालूम नहीं तो आप मेंबर पे क्यों बैठे, तो कितनी प्यारी बात की अली ने। कहा कुछ जानता हूं, जो जानता हूं बता देता हूं, इसलिए मेंबर पर हूं, अगर जाहिल होता तो मेंबर पर नहीं बल्कि हवा में बैठता। मतलब क्या, जाहिल हवा में उड़ता है, फेंकता है ना वो इधर उधर की, तो मेंबर पे इसलिए टिका हुआ हूं कि जो जानता हूं वो बता देता हूं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हर वक्त मालूम हो, लेकिन एक मिजाज कैसा बनाइए, कोई पूछता है किसी आलिम दीन से, मालूम है बता दीजिए, नहीं मालूम ठीक है इंशाल्लाह आप आइए एक हफ्ते बाद देख के बताता हूँ, अपने बड़े उलमा की तरफ रुजू कीजिए या किताबों की तरफ रुजू कीजिए, उसमें हमारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है कि हम मुताला करेंगे हमारा मुताला बढ़ेगा, हम बड़े उलमा की तरफ जाएंगे उनसे सीखने को भी मिलेगा। तो पूछना और बताना दोनों में फायदा ही फायदा है। तो कौम को भी कहता हूं अपने मौलवियों को छोड़ो मत, पूछते रहो, और उलमा को भी कहता हूं बताते रहो, नहीं मालूम तो तहकीक करके बताओ, मगर बताओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात। अच्छा हाँ, एक बड़ी गुजारिश कर देता हूँ, हर जगह करते आ रहा हूँ, बॉम्बे का बड़ा अजीब हाल है भाई, खैर नागपुर भी कोई पीछे नहीं है आपसे जहालत में, मैं नहीं करेंगे, नागपुर में सब वली बैठे हुए हैं, वहां भी बोलता हूँ यहाँ भी बोलता हूँ। अब ये गरीब नवाज का उर्स भी आ रहा है, डीजे, इसने तो पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है हमारी कौम का, इस शोर ने हमारे हक की आवाज को दबा दिया है, डीजे का शोर इतना हो गया है हमारी कौम में कि अब हम जो हक बोलते हैं ना वो दब जाता है, ये डीजे ज्यादा गूंजने लगता है, और खबीस वहां भी यही देखो ये डीजे बजाते हैं, देखो डीजे बजाते हैं। तो मैं इससे पहले भी चोर बाजार में अर्ज कर चुका कि ये डीजे जो आप बजा रहे हैं सुन्नियत की खिदमत समझ रहे हैं, लेकिन इससे खुदा की कसम सुन्नियत का रत्ती बराबर फायदा नहीं हो रहा सिवाय नुकसान के। मैं चैलेंज से बोलता हूं, कोई एक शख्स मुझे ऐसा दिखा दे आप कि आपके डीजे को देखकर वो सुन्नी हो गया वहाबियत से, वहाबी था और कहा अरे यार ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा मजा आया यार, पसंद आया, सुन्नी मजहब में बहुत अच्छी चीज है डीजे बजाते आप, आज से मैं तौबा करके सुन्नी बनता हूं। एक सुन्नी नहीं बता सकते आप खुदा की कसम, मगर ऐसे मैं कम से कम 50 वहाबी बता सकता हूं जो आपके डीजे नाचने थिरकने और ये खुराफातों से बज्जन होकर अहले सुन्नत से वहाबियत की तरफ चले गए। तो इसके जिम्मेदार हम हैं, इससे परहेज करें, बचे। नौजवानों से खासतौर से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये आपकी सिर्फ नफसानी ख्वाहिश का मामला नहीं है, ये अल्लाह रसूल के दीन की बेहरमती का मामला है, मामला ये रसूलुल्लाह और अल्लाह तक पहुंच गया है। एक और रसम है वो बड़ी बड़ी चादर, बुरा लगे तो मैं माजरत चाहूंगा, हमारे यहाँ भी चूंकि रायज हो चुकी है, अब वो चादर निकालते गरीब नवाज के नाम पे, बड़ी 2 लाख की चादर, पिछले साल हमारे नागपुर से 2 लाख की चादर गई। अब चादर कैसे जा रही है, वो गैर मुस्लिम भी पैसा डाल रहा है, वो बेवड़ा भी डाल रहा है, वो शराबी भी डाल रहा है, सब पैसे चंदा हो रहा है वो, गरीब नवाज को चादर की क्या जरूरत है भाई। अरे वो गरीब नवाज है, नवाजने वाले गरीबों को, गरीबों से लेने वाले नहीं है वो नवाजने वाले, वो तो शहीनशाह है, उनको कमी नहीं है, उनके पास जन्नत की नेमत है, उनके पास आपकी 2 लाख की खैराती चादर की जरूरत नहीं है। और मसला के आलत भी यही आलत फरमाते हैं कि कब्र पर जब तक एक चादर है तो दूसरी चादर की जरूरत भी नहीं है, फूल डालिए आप जितना चाहे, चादर से मना किया चादर। कोई मुझे ऐसा कोई किताब दिखा दे, कोई आलिम का कॉल बता दे, आज के पीर का नहीं, आज के पीर तो बगना देखे सब आसमानी बातें करने लग गए, किताब की बात कर रहा हूं मैं, किताब और दलील का कायल हूं। कोई किसी पुराने बुजुर्ग की किताब में आप दिखा दे कि किसी बुजुर्ग ने कहा हो कि मदार पे चादर चढ़ाने का इतना सवाब, नहीं है। चादर क्यों है मालूम है हमारे यहाँ, चादर की वजह सिर्फ यह है कि वली और गैर वली की कब्र में इम्तियाज हो जाए। जैसे ये तरीका कहां से लिया गया, जब तुब्बे अव्वल हुमेरी पूरी दुनिया फतह करने निकला, ये बादशाह था यमन का, मक्के में आया और मक्के में जब आया इससे लोग मिलने अहले मक्का नहीं पहुंचे, नाराज हुआ तो इसने कहा क्यों नहीं आए, मालूम हुआ कि हज का मौका है और हज के मौके पे सिवाय अल्लाह की इबादत के कुछ नहीं करते, तवाफ करते काबे का, ये काबा क्या है, का एक घर है चार दीवारी का जिसको कहते ही अल्लाह का घर है, उसने कहा उसकी वजह से मिलने नहीं आए, घर ढा दूंगा, काबे के ढाने का इरादा किया तुब्बे अव्वल हुमेरी ने। मुहदसिन लिखते हैं बीमारी में मुब्तला हो गया,
हकीमों ने इलाज किया, नहीं फायदा हुआ। अरब का जब एक हकीम आया तो उसने कहा तूने अल्लाह की किसी निशानी को ढाने का, तबाह करने का इरादा किया, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, तौबा कर। तौबा किया, फरमाबरदार हुआ और गुलामों की तरह खाने काबा में आया। और जब आया तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये अल्लाह का घर, ये बंदों का घर, ये भी ऐसे ही दीवारों का, ये भी दीवारों का, कुछ फर्क होना चाहिए। तो कहा अल्लाह के घर को गिलाफ चढ़ाओ ताकि इम्तियाज हो, फर्क हो। तो अव्वल हमारी पहला बादशाह रसूलुल्लाह की विलादत से, सरकार की पैदाइश जाहिरी से 600 साल पहले इसने गिलाफ काबा चब बनाया और काबे को गिलाफ पहनाया। और रसूलुल्लाह का जमाना आया तो सरकार ने तुब अव्वल उमेरी के उस अमल को पसंद फरमाया, गिलाफ बरकरार रखा आज तक। उसी तरीके से हमने लिया कि भाई नबी की पसंदीदा है, आम घरों में और अल्लाह के घर में फर्क हो जाए तो गिलाफ, तो आम बंदे की और वली की कब्र में फर्क हो जाए लिहाजा वली की कब्र पर गिलाफ डालो, चादर डालो। तो चादर का मकसद ये है, ये नहीं है चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर ठप्पा लगी है, सारे खादिमों की मौज, कोई फायदा नहीं उससे। फूल डालिए आप, फूल डालिए। फूल का क्या वजह है, फूल की रीजन क्या है? फूल की रीजन यह है कि वो जिक्रुल्लाह करते हैं, जितनी तर चीजें हैं अल्लाह का जिक्र करती है। तो जब कब्र वली पर वो डाला जाता है तो वो जिक्रुल्ला करती है, तो अल्लाह के वली को जिक्र से उन्स होता है, उल्फत होती है। अब फूल इसलिए भी डालते हैं कि गुलाब के फूल रसूल के पसीने से पैदा हुए हैं, तो सरकार का पसीने के पैदा है, उस सरकार से निस्बत है, इसलिए पेश के तो फूल डालिए। तो अब ये चादर के लिए जो हम करते हैं, डीजे पे चादर निकाल रहे हैं, एक चादर, और इस पर थोड़ा तलक जुमला बोल दूं, हमारे यहाँ संदल निकलते हैं नागपुर में, संदल बोलते हैं उसको, आप क्या भी संदल ही बोलते होंगे। सामने घोड़े, 6-7 घोड़े, 12 घोड़े, 13 घोड़े, हर आदमी अपनी हैसियत से घोड़े रखता है, 20-25 घोड़े रहते हैं। फिर उसके बाद वो सारंगी वाला, वो बैंड वाला, वो धमाल वाला, फिर वो सब चले जा रहे हैं, सब आगे आगे। ये जितने रहते हैं घोड़े वाले गैर मुस्लिम, ढोल बजाने वाले गैर मुस्लिम, जितने नाचने वाले गैर मुस्लिम, सारंगी वाले गैर मुस्लिम, पूरे संदल में जो चीज ले जा रहे हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा मुकद्दस समझ रहे हैं, वो है चादर। वो सबसे पीछे, सबसे एंड में बग्गी में रखते हैं, बग्गी में एक बुड्ढे को बिठा देते हैं, पकड़ चादर, भागने ना पाए, तू इस इबादत करते रहना, हम तो सब मस्ती में नाच रहे हैं अभी, न्याज का खाना चल रहा है संदल में, वो पीछे। जो बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, वो पीछे। और जिनके बारे में कुरान ने कहा कि ये नीरे नापाक और नजीस है, वो सबसे ज्यादा आगे। ये कौन सा संदल है भाई, कौन से बुजुर्ग ने संदल निकाला? गरीब नवाज ने कोई संदल निकाला? कोई रिवायत मिलती है तो गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की मदार पर संदल लेके चादर गए हो, या उस्मान हारूनी अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में संदल वंदल बजाते हो, चादर लेके गए हो? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह जाने कहां से जालत नौजवान, और तरक्की है, सोचता है, कॉम्पिटिशन। उस मोहल्ले वाले ने ये किया क्या, मैं भी यही करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा। उसने ये किया क्या, उसने कितने डीजे लगाए, 4 स्पीकर थे बड़े बड़े, 8 लगाएंगे हम, उसने 8 लगाया कि हम 16 लगाएंगे। और अफसोस की बात, डीजो के लिए हमारे कौम के पास पैसे है, मगर दीन की जब रहा कि खर्च करने की बात आती है तो फिर सारी बखीली है, कंजूसी है, सब है हमारे पास। किताब छापने की बात आती है तो अरे किताबों से क्या होगा, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। मसाजिद के तामीर में हम कंजूसी करेंगे, लेकिन डीजे लगा मैं तब से कह रहा हूं। फक्र, घमंड, कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए, बुजुर्गों के सही मायनों में नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।